जय हिंद। मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को पीवीआर स्टडी पे स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 4 होगी। लेक्चर नंबर 4 है। इसकी पहले 3 लेक्चर हो चुकी है। ये पेड कोर्स है, सभी को पता है। अगर यूट्यूब पे अगर चल रही हो डेमो के रूप में, तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आप 0 से लेकर के हीरो लेवल तक सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो भी अंग्रेजी आसानी से सीख जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी अंग्रेजी आसानी से सीख जाएगा, ठीक है साथियों। चलो हम लोग बात करते हैं साथियों, सीख क्या क्या लिए थे हम लोग। बात किए थे इंग्लिश में साथियों, उसकी छोटे छोटे टर्म्स को समझे थे, जहाँ पे हम लोग क्लॉज सेंटेंस सीख लिए थे। आई बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग नाउन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साथियों, उसके बाद हमने बताया था कि जैसे थोड़ा बहुत बेसिक लेवल थोड़ा ख़त्म हो जाएंगे तो नाउन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए महाराज जी कॉल कर दिए, वेट करना गाइज। हमने बताया था आपको कि जैसे ही बेसिक ख़त्म होंगे साथियों, आपको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है, सारे चीज़ें जो भी कुछ होते हैं वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। मैंने बोला था ना आप सभी को, मुझे यस या नो बताओ, मैंने बताया था या बोला भी था कि जैसे ही हम छोटी छोटी टर्म को सीख लेंगे तो मैं आप सभी को क्या बताऊँगा, सब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना क्या होता है, पार्सिंग समझते हो ना, वही चीज़ें सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। पार्सिंग वाले बातें सारी चीज़ हम समझाऊँगा, बताया था। तो देखो बारीकी से समझना, सीखना। हम अभी बात करेंगे कि हाउ टू, छोटी टर्म बात करते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन इन सेंटेंस। हम किसी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे? ऐसा तो नाउन को जानते हो, सभी को जानता है कि नाउन क्या होता है, सभी को पता होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। लेकिन हम सेंटेंस में पहचानना सीखेंगे कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन, यहाँ पे सेंटेंस हटा दो, विदिन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में नाउन को कैसे पहचाने, समझ रहे हो ना, 5 सेकंड में नाउन को कैसे पहचाना होगा, ये चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, बताना। तो मेरी बातों को सुनना बढ़िया तरीके से। पहली बात ये रखना कि दुनिया का हर वो चीज जिसे आप टच कर सकी वो नाउन होता है। बारीकी से समझना, बहुत अच्छे तरीके समझ में आएंगे। मैंने क्या लिखा, दुनिया का वो हर चीज, ये दुनिया को ऐसे कर ले भाई, ले तुम सुधर जा लो, दुनिया का हर वो चीज जिसे आप टच कर सको वो सभी के सभी नाउन होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देख लो, मैंने इसे टच कर लिया, पकड़ लिया, टच कर लिया नाउन है। जैसे मैंने इसे टच कर लिया, ये भी नाउन है। जैसे मैंने ये टच कर लिया ये भी आपका नाउन है। जैसे मैंने इसको टच कर लिया, देख लो ना, इसे टच कर लिया तो ये भी एक नाउन है। आपको एग्जांपल देते चल रहे, देखो इसको मैंने टच कर लिया, पकड़ लिया, ये भी आपका एक नाउन है। देखो ये बिस्किट खा चुका हूँ, बट बिस्किट का ये है तो ये भी इसको मैंने पकड़ लिया, छू लिया, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी आपका एक नाउन है। और क्या चीज एग्जांपल दो बताते चलो मुझे साथियों, देखो अभी एग्जांपल के तौर पे तो मैं दिखा रहा हूँ, फिर समझ में आएगा कि क्या क्या नाउन होता है, क्या क्या। देखो इसे मैंने पकड़ लिया है तो ये भी आपका नाउन ही है, क्या है साथियों, नाउन ही है। रुको और एक्सपेरिमेंट के साथ, जैसे देखो मैंने एक चीज मेरे हाथ में, मैंने इसको पकड़ लिया, ये भी साथियों आपका क्या है, नाउन ही है, ठीक है, नाउन ही है। देखते चलो मैं भी क्या क्या और दिखाता हूँ।
आ जाओ मेरे साथ के लिए। देखो मेरे सामने क्या एक बोतल है, बोतल है, मैंने इसको पकड़ लिया, ये भी नाउन है। जैसे देखो मेरी गर्दन ने इसकी पानी को पकड़ लिया, जैसे देखो मैं पानी को नहीं पकड़ सकता, हाथ में पकड़ लूंगा ना, हाथ में गिर जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पानी पानी हो जाएगा, तो पानी भी नाउन है। जैसे ढक्कन को मैंने पकड़ लिया, ढक्कन भी नाउन है। देखते चलो अभी नाउन की एकदम एक्सपेरिमेंट के साथ सीखोगे नाउन, ऐसे इंग्लिश में काम नहीं चले। अभी देखो मैं क्या की एग्जाम्पल देते हैं, तो आ रहा हूँ मुझे पता है। देखो मेरे सामने क्या है, हेडफोन है, मैंने हेडफोन को ऐसे पकड़ लिया, तो ये भी नाउन ही है। ये भी क्या है साथियों, नाउन ही है। जैसे ही मैंने हेडफोन को पकड़ लिया नाउन है। मेरे सामने कंघी है, मैंने कंघी को पकड़ लिया, ये भी नाउन है। मैंने इससे केस को झाड़ दिया, ऐसे कर दिया, ये भी नाउन है। मेरे सामने एक ऐनक है, ऐनक को मैंने पकड़ लिया, ये भी नाउन है। दुनिया का हर वो चीज जिसे आप छू सकते हो ना, वो सारे के सारे नाउन ही होते हैं। वो सारे के सारे साथियों, दुनिया का हर वो चीज जिसे आप टच कर सको, वो नाउन होते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? चलो इस हेडफोन को बेचारे को हटा देते हैं, ठीक ना, यहाँ से। तो याद मैंने क्या बतलाया, मैं इसको थोड़ा लगा लूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बताना पड़ता है ना, कि आप तो ऐसा सुधरोगे नहीं ना, आप मानने वाले हो नहीं, कहोगे सर मैं कैसे समझूँ, तो आपको एक्सपेरिमेंट करके मुझे समझाना पड़ता है। तो मैंने क्या बतलाया, दुनिया का हर वो चीज जिसको आप टच कर सको वो नाउन है। एग्जाम्पल ले लेना भाई, पेन, पेन को टच कर लेते हो, ग्लास, चश्मा ना, बुक, माउस, आपके पिताजी, पिताजी को भी टच नहीं करते हो यार, पापा के जगह हाथ पकड़ते हो ना, टच कर लेते हो ना, आपके पिताजी भी हो गए क्या, नाउन ही होंगे, फादर हो गए। आप अपने मम्मी को भी छू सकते हैं, मदर भी हो जाएंगे। दुनिया का हर वो चीज जिसको आप टच कर सको वो क्या होते हैं साथियों, नाउन होते हैं। दुनिया को हर वो चीज, अब देखो बहुत सारे ज्ञानी होंगे कहेंगे सर जी अच्छाई को तो हम लोग टच नहीं करते हैं तो वो भी तो नाउन ही होता है, हम बचपन को टच नहीं करते वो भी नाउन होता है। तो सब्र करें मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने बोला कि छू सके तो स्काई को तो हम टच नहीं करते फिर भी ये नाउन होता है, फिर भी ये क्या होता है साथियों, नाउन होता है। सर सर जी नॉलेज को TNOW दिखाई दे रहा ना, LADGE, नॉलेज को भी नहीं छूते फिर भी ये क्या होता है साथियों, नाउन होता है। तो बताओ, हाँ नॉलेज को छूते भी नहीं हो फिर भी क्या होता है, नाउन होता है। तो ऐसे भी ज्ञानी होंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास क्या है, जुगाड़ है, उनके लिए भी समझाने के लिए ट्रिक है, कंसेप्ट है। पहली बात ये सीखो, जिसे छू सकते हो दुनिया में कोई भी चीज हो दुनिया का, कोई भी, वो नाउन होगा जिसे तुम छू सकते हो। तेरे पास भाई हाथ है ना छूने के लिए, गॉड गिफ्टेड एक चीज है तुम्हारे पास, क्या है, हाथ। तेरे पास गॉड गिफ्टेड एक चीज है जिसका नाम है क्या, हैंड। हाथ है तो छू सकता है, ठीक है। चलो ये समझ में आया ना। अब देखो पहला ट्रिक ये था कि नाउन कैसे पहचानोगे। दूसरा बात समझो, वर्ड के समाप्ति के अनुसार यानी कि वर्ड के एंडिंग के अनुसार भी हम नाउन को पहचानेंगे। पहला रूल लिख लिए हो ना, कॉपी में नोट कर रहे हो ना, ऐसे नहीं बैठना है, खाली हाथ काम नहीं चलेगा, यू मस्ट हैव टू राइट इट, आपको इसे लिखना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, दूसरी पॉइंट को बढ़ते हैं, हम सीखेंगे यहाँ पर दूसरा तरीका क्या। लिखो वर्ड के एंडिंग के अनुसार। वर्ड के एंडिंग मतलब जब कोई वर्ड समाप्त करता है उसके अनुसार हम लोग क्या सीखेंगे, नाउन को पहचानना सीखेंगे। जो भी YouTube पे देख रहे हैं प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। फिर अगर आपको लगे अट्रैक्टिव देन यू मस्ट हैव टू ज्वाइन प्रीमियम बैच, आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम बैच का ये सारी चीजें हैं। जैसे देखो इसमें पहला आएगा जो वर्ड MENT, जो वर्ड कोई वर्ड ऐसा होना चाहिए जो MENT उसके अंत में लगा हो वो नाउन होगा।
जैसे देख ले भाई, जैसे देख ले, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट देखो यहाँ पे एम ई एन टी, एम ई एन टी, एम ई एन टी, एम ई एन टी, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करवाते हो ना भाई, एग्रीमेंट तो होती है सब जगह, एग्रीमेंट हो गया। और बताओ मेंट वाला वर्ड बताओ, तुम सब बताओ साथियों, मैं आप सबको कमेंट देखूंगा, आप लोग कमेंट करो जल्दी से मुझे, आप लोग कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो फटाफट करो। भाई कमेंट करो भाई। अरे देख भाई, एंटरटेनमेंट, एमएनटी एंटरटेनमेंट हो गया। और बताओ बताओ, एडवर्टाइजमेंट भी होता है, एडवर्टाइजमेंट। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा भाई। चलो यहाँ पर और भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, एम ई एन टी, एडवर्टाइजमेंट। बताओ और बताओ और बताओ, फटाफट बताओ साथियों आप लोग। मेंट और एग्जांपल दो, इनकर्जमेंट भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, लॉजिमेंट भी होता है, डॉक्यूमेंट होता है, यार डॉक्यूमेंट लिख ले, डॉक्यूमेंट, एम ई एन टी। और भी एग्जांपल, हजारों एग्जांपल है, जब भी कोई वर्ड एम ई एन टी से समाप्त होता हुआ दिख जाए, नजर पड़ जाए उस पर, ऐसे नजरिया पड़ जाएगा ना, समझ लेना बाबू वो आपका क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन है। हम नाउन के टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए डॉक्यूमेंट, तो कैसे समझोगे बताना, ये किसी किस चीज का नाम है बताओ, जैसे एंटरटेनमेंट, या किसी, ये व्यक्ति का नाम है, क्या स्थान का नाम है बताओ, क्या चीज का नाम है एंटरटेनमेंट, नाम नहीं है ये, एक अपने आप एंटरटेनमेंट एक भाव व्यक्त करता है, तो बताओ फिर कैसे पहचानते हैं आप कि एंटरटेनमेंट नाउन है, तो आप वर्ड के समाप्ति के अनुसार भी पहचान सकते हो कि वो नाउन होता है। क्या होता है साथियों? नाउन होता है। तो फटाफट रूल नंबर फर्स्ट, या रूल नंबर फर्स्ट था कि नाउन को कैसे पहचानोगे, मेंट वाला वो लिख लो, जल्दी से लिखो, जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं ना भाई, फटाफट लिखो, इसे हल्के में नहीं लो, ये बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, हल्के वाला चीज़ नहीं है, आपको आना चाहिए। चलो जल्दी से लिखो, मैं सबके कमेंट देख लेता हूँ तब तक, चलो ना करो जल्दी से भाई, मजा नहीं लो। चलो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सबने नोट कर लिया, मिटा दो इसे। चलो दूसरे रूल की तरफ आते हैं, आप लोग कमेंट करते रहना, जो आपको आता है वो कमेंट करना। देखो मैं चाहूँ तो ढेर सारा लिखवा सकता हूँ, बट लिखने में ज़्यादा टाइम लगेंगे, फिर आपको मतलब खुद से प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए ना, बच्चे को आना चाहिए खुद से प्रैक्टिस करने। चलो दूसरा आपका कोई वर्ड, जब कोई दूसरा आपको दूसरा रूल ये कहता है, कोई भी वर्ड एस एच आई पी से समाप्ति करेगा वर्ड, वो भी नाउन होगा। जैसे फ्रेंडशिप, एफ आर आई ई एन डी एस एच आई पी, फ्रेंडशिप क्या है? एस एच आई पी, एस एच आई पी, फ्रेंडशिप हो गया। और बता दो, आप लोग एग्जांपल दे दो, आप लोग एग्जांपल दो। वर्कशिप हो जाता है साथियों, वर्कशिप, टाउनशिप भी होता है, टाउनशिप। और दो और दो और बताओ, एग्जांपल दो आप लोग भाई, एग्जांपल दो, नहीं चलेगा काम ऐसे, आप लोग एग्जाम्पल दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल दो भाई। अरे रिलेशनशिप यार, क्या तुम लोग बकवास करते हो, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। और दो आप लोग दो, मैं सारे दे दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे बताओ, बताओ भाई। अरे यार चैंपियनशिप लिखना भाई, चैंपियन लो, और कुछ लिखना है बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। एक बच्चा लिख रहा है फ्लो, फ्लोअरशिप, भाई फ्लोअरशिप भी हो जाएगा, ले एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू ई आर एस एच आई पी, फ्लोअरशिप भी हो जाएगा।
तो जिसके अंत में एस एच आई पी दिख जाए वो नाउन है। जब कोई वर्ड में आपको एस एच आई पी दिख जाए वो नाउन होता है। समझ रहे हो ना क्या होता है? नाउन होता है। जब भी कोई वर्ड एस एच आई पी से समाप्ति करे वो आपका नाउन होता है। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्तों? बात अकल दिमाग तक जा रही है ना? जा रही थी, इसे जल्दी से नोट कर, जल्दी से नोट कर लो भाई। आप लोग भी कुछ दो भाई एग्जांपल। भाई आप लोग दो यार पार्टनरशिप। अरे यार पार्टनरशिप निभाते हो यार, तुम लोग एग्जांपल नहीं देते हो यार। पार्टनरशिप कहते ना, पार्टनरशिप में काम किया जाए तो भाई दिया करो यार। अरे स्कॉलरशिप कौन लेता है भाई? स्कॉलरशिप नहीं लेते हो आप लोग? अरे यार स्कॉलरशिप भी लिख सकते हो। अरे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हो भाई, स्कॉलरशिप भी हो जाएगा। देखो इसके अंत में भी सीप है, इसके अंत में भी सीप है, इसके अंत में भी सीप है, यहाँ भी सीप है, यहाँ भी सीप है, यहाँ भी सीप है। और भी वर्ड चाहिए क्या कि भाई इतना से काम चल जाएगा? बताओ और भी वर्ड चाहिए आप लोगों को तो बताओ, इतना से काम चल जाएगा? कमेंट करो भाई। मेरे भाई कमेंट नहीं करते हो ना तो मुझे अजीब टेस्ट लगता है भाई। चलो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया मुझे लग रहा है। समझ में आ रहा है तो बताओ, समझ में आ रहा है ना तो जल्दी से इसे नोट कर ले भाई। फ्रेंडशिप, वर्कशिप, टाउनशिप, रिलेशनशिप, चैंपियनशिप, फ्लोरशिप, पार्टनरशिप, स्कॉलरशिप, ये सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जिसके अंत में एस एच आई पी लगता है वो आपका नाउन होता है। समझ गए ना? चलो समझ समझ के काम करेंगे, बहुत अच्छा तरीके से होगा। और देखो मैं बताऊंगा कि आप देखो सब्र करके पढ़ना। मैं चाहता हूँ तो इसको लिखा लिखा ला देता जल्दी से मैं ख़त्म कर, लेकिन देखो आपको समझाना पड़ेगा ना। एग्जांपल फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं आ पाता ना, फिर अकॉर्डिंग वही चुने भी नहीं एग्जांपल दे पाएंगे। ऐसे क्या है कि मेरे माइंड में जो जो आते रहेंगे कुछ नया भी आ सकते हैं ना। चलो स्क्रिप्टेड कोई काम नहीं करना चाहिए भाई, स्क्रिप्टेड काम हम बहुत कम करते हैं, समझ रहे हो ना? स्क्रिप्टेड काम बहुत कम किया जाता है। चलो इसके बाद जो वर्ड होगा, इसके बाद जो वर्ड होगा थर्ड नंबर वो होगा टी आई ओ एल। जब कोई भी वर्ड इन वर्ड से समाप्ति हो, टी आई ओ एल, इन इन लेटर के साथ समाप्ति हो कोई वर्ड, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? नाउन कहलाता है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। चलो जैसे देख लो, रिलेशन, स्टेशन, ट्यूशन, फाउंडेशन, नेशन, वोकेशन, और कुछ चाहिए? देखो टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, मतलब और भी और चाहिए? नेशन, वोकेशन, इनके अंत में क्या है? आई ओ एन लगा हुआ, तो ये सभी क्या होंगे? नाउन होंगे। ये सभी क्या होंगे? नाउन होंगे। बताओ और भी कोई वर्ड चाहिए क्या आपको? अरे भाई डेरिवेशन भी हो जाएगा, ले डेरिवेशन। और भी चाहिए क्या भाई? डेरिवेशन पढ़ते हो ना 12th क्लास में, डेरिवेशन एक डेरिवेटिव्स करके चैप्टर है डेरिवेशन, ठीक है? डेरिवेशन, स्टेशन, ट्यूशन, फाउंडेशन, नेशन, वोकेशन, डेरिवेशन। और बताओ नेशन वाला, टी यू वाला बताओ और सब वर्ड। और बताओ आप लोग बताओ भाई। एक्शन भी होता है इसी में आ जाता है, एक्शन, ले एक्शन भी नाउन ही होता है। एक्शन भी क्या होता है साथियों? आपका नाउन ही होता है। एक्शन भी क्या होता है? नाउन होता है। हाँ और बताओ, और बताओ कमेंट करो। देखो रिलेशन हो गया, स्टेशन हो गया, ट्यूशन हो गया, फाउंडेशन हो गया, वोकेशन हो गया, रिवेशन हो गया, एक्शन हो गया, और बताओ जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो मेरे साथियों। हाँ रिएक्शन वीडियो, रिएक्शन, रिएक्शन, मेंशन, कहते ना मेंशन, नेम मेरा मेंशन कर दीजिए, मेरा नाम मेंशन कर दीजिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन कौन कौन लेके आएगा भाई? कौन सा भाई यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है? कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं?
हाँ सिलेक्शन लेके आना है ना, कंपटीशन नहीं भाई कॉम्पे। ये नहीं होगा कंपटीशन, मैंने गलत है सुन पे सी ओ एम पी ई टी। ठीक है और भी वर्ड बताओ जिसके अंत में टी आई उन्हें लगा हो ना भाई, वो सभी क्या होते साथियों नाउन होते हैं। क्या होते साथियों नाउन होते हैं, समझ गए। चलो बिटा दो, चलो आ जाओ थर्ड फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है, फोर्थ नंबर के जल्दी से बताओ, इधर वाला लिख लो भाई, लिखो जल्दी से। देखो कुछ स्टूडेंट नहीं लिखे, लिख भाई जल्दी से लिखो इसको, लिखो यार बिना लिखे काम नहीं चलेंगे, बिना लिखे काम नहीं चलेंगे भाई, कब तक मजाक चलेगा, मजाक करने से थोड़ी काम चलता है भाई। हाँ भाई यूट्यूब वाला भाई जल्दी जल्दी लिखा करो यार, तुम सब मजाक करके रख दियो, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ बताओ, चलो जल्दी जल्दी लिख रही है ना, बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ इसके बाद, जिसके अंत में डी ओ एन, फोर्थ नंबर ये कहता है जिसके अंत में डी ओ एम लगा हो वो भी नाउन होता है, जैसे किंगडम, फ्रीडम, सेल्डम। और बताओ वर्ड बताओ, और बताओ आप सब, और बता दो आप सब, और बताओ एबंडम, बताओ जल्दी से। डी ओ एम वाला वर्ड बताओ भाई, नाउन जो भी है इसके। अरे रैंडम भी होते हैं, कहते हैं रैंडम हम लोग गेम खेलते हैं, रैंडमली चलना चाहिए, रैंडम हो गया। विस्डम भी हो जाता है, विस्डम विस्डम डब्ल्यू आई एस, क्या होता है स्पेलिंग में, डब्ल्यू एस, हाँ डब्ल्यू एस आई डी ओ एम, विजडम भी होता है। चलो और बताओ, सेल्डम लिख दिया है भाई। चलो ये डॉम वाला समझ गए ना, जिसके अंत में कभी भी न्यूज़पेपर खोलना डी ओ एम लगा हुआ मिल जाए वो आपका नाउन होता है। ये तरीका है पहचानने का, डी ओ एम कहीं मिल जाए तो वो नाउन होता है, बाकी आप खोज लेना। मैं तीन चार एग्जांपल दे दूंगा, बाकी आप खोज लेना ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ज़्यादा ना करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है ना, आप लोग खुद नहीं बता रहे हो। मैं आपको रूल दे दे रहा हूँ ना, रूल पे काम कर लो ठीक है, जब भी डी ओ एम आए तो वो नाउन होगा। अब देखो ऐसा नहीं कि आप कोई भी वर्ड में अपने मन से उसमें लगा करके दे दो, नहीं डी ओ एम होना चाहिए एक्चुअल में, उसका मतलब निकलना चाहिए, ऐसे किसी भी वर्ड में नहीं लग सकते ना डी ओ एम। अब सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स किसी में नहीं लगा देना, सफिक्स बाद वाला जो होता है ना, सफिक्स किसी में लगा करके वर्ड नहीं ला देना, सफिक्स वाला वर्ड लगा करके ला दिए कहोगे कि सर। चलो चार नंबर तक हो गए ना, पाँचवें नंबर में आ जाओ। जब भी कोई वर्ड टी यू डी ई, क्या बोला मैंने, टी यू डी ई, इन लेटर से समाप्ति करे, जब भी कोई वर्ड टी यू डी ई से समाप्ति करे तो वो भी क्या होता है नाउन कहलाता है। जैसे एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड मैग्नीट्यूड लैटिट्यूड। और बता दो इसके बाद, आप लोग एग्जांपल दो कुछ, आप लोग दो एग्जांपल, मैग्नीट्यूड एटीट्यूड लैटिट्यूड। इसके बाद आप लोग खुद से एग्जांपल लिख लेना। तो जब भी कोई वर्ड टी ओ डी ई से समाप्ति करे तो वो क्या कहलाता है साथियों, बताओ वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा ना, हाँ नाउन कहलाएगा ना। जब भी कोई वर्ड टी यू डी से समाप्ति करे तो वो नाउन कहलाएगा, जैसे एटीट्यूड मैग्नीट्यूड लैटिट्यूड और समथिंग आप लोग लिख लेना। चलो समझ में आ रहा ना, टाइम जाया नहीं करना है, बहुत जल्दी हम लोग काम करना है। आ जाओ छठे नंबर पे,
देखो डिजिटल बोर्ड होता ना तो बहुत मजा आता, तो कुछ चीजें लिखना पड़ जाता है, थोड़ा आपको अटपटांग लगेंगे यार सर जी गजब टाइप से करवाते हैं, तो कोई बात नहीं इन फ्यूचर शायद देखो लग जाए। चलो छठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कभी वर्ड कोई भी वर्ड क्या हो टी यू आर ई इन वर्डों से समाप्ति करे, टी यू आर ई से समाप्ति करे तब उसके साथ तब उसके हम क्या बोलेंगे नाउन कहेंगे। जब कोई भी वर्ड टी यू आर ई लेटर से समाप्ति करे तो उसे नाउन बोलेंगे, जैसे फ्यूचर, कल्चर, नेचर, क्रिएचर, टी यू आर ई। जब भी कोई वर्ड टी यू आर ई से समाप्ति करे वो आपका नाउन कहलाता है, फ्यूचर, कल्चर, नेचर, क्रिएचर। आप लोग भी कुछ कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे दोस्त, भाई कमेंट करो भाई। भाई ये देखो मोबाइल में आपको कमेंट दिखती है भाई, यहाँ पे मोबाइल की तरफ नहीं देख रहा हूँ, बताओ समझ रहे हो। जब भी कोई वर्ड टी यू आर ई से समाप्ति करे तो उसका क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाउन नहीं बोलेंगे ना, नाउन के टाइप्स नहीं पड़े, नाउन बोलेंगे उसे। हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन विद इन 5 सेकंड, अरे 5 सेकंड नहीं पहचान सकते भाई, जैसे ही दिखाई दिए कि टी यू आर ई है हम लोग नाउन बोल देंगे, जैसे ही दिखाई टी यू आर ई है नाउन बोल देंगे, जैसे दिखाई दे डी ओ एम है नाउन बोल देंगे, जैसे ही दिखाई दे टी यू डी है नाउन बोल देंगे, जैसे हमें ई एन टी वाला दिख जाए एम ई एन टी वाला हम लोग नाउन बोल देंगे ना, एस एच आई पी वाला दिख जाए हम लोग नाउन बोल देंगे। देखने में कितना जैसे ही देखे वैसे पहचान लोगे 1 सेकंड में, लेकिन फिर भी मैंने 5 सेकंड लिख दिया, पता क्यों, कि बहुत सारे ज्ञानी हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होते ना कहेंगे सर हम तो पहचान ही नहीं पाए, अरे गधा देख के पहचान नहीं पाएगा एम ई एन टी लगाए तो, आप देख के नहीं पहचान लोगे, अरे यार मेरे भाई एग्रीमेंट हमने आपको बता दिया कि एम ई एन टी दिख जाए नाउन है भाई, एम ई एन टी पढ़ने में कितना टाइम लगा, एम ई एन टी मेंट भाई नाउन है, समय नहीं लगते, बस आपकी समझ में आ जाए उतने ही टाइम लगते, अदरवाइज पकड़ में कोई पकड़ सकता है, बस बस बसरते आपको समझ में आ जाना चाहिए। टी यू आर ई समझ में आ गया ना सबको, चलो जब भी कोई वर्ड, चलो स्टार देख लें, इसके बाद आप लोग नंबरिंग डाल देना अपने से, कोई वर्ड क्या हो टी एच से समाप्ति करे, टी एच से समाप्ति करे, जब भी कोई वर्ड क्या हो टी एच से समाप्ति करे तो वो भी क्या होता है नाउन होता है, जैसे ग्रोथ, स्मूथ, टूथ और बताओ कमेंट करके बताओ मुझे, ग्रोथ, स्मूथ, टूट, वर्थ, 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 डब्ल्यू ओ आर टी एच भी होता है, नॉर्थ, एन ओ आर टी एच, दिशा का भी नाम हो जाता है नॉर्थ, साउथ ले लो भाई ये भी नाउन ही होते हैं, और बताओ माउथ, एम ओ यू टी एच, माउथ मतलब मुंह, और बताओ टी एच से और कितना वर्ड चाहिए भाई, इतने सारे वर्ड हो गए, ग्रोथ, स्मूथ, टूथ, वर्थ, नॉर्थ, साउथ, माउथ, हाँ साउथ माउथ। तो जब भी कोई वर्ड टी एच से दिखाई देता है समाप्ति होते हुए वो आपका क्या होता है मेरे दोस्त, नाउन होता है, क्या होता है नाउन होता है, समझ रहे हो ना, समझ समझ के काम करोगे बहुत कुछ होगा, नहीं करोगे नहीं कुछ होगा। आप प्लीज इंग्लिश फाउंडेशन बैच है उसके जरूर ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप जरूर बनिए, तभी जाके आगे प्रोसेस काम हो पाएगा बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो ना। चलो अपने दोस्तों जो भी बच्चे देख रहे हैं ना अपने दोस्त को परिवार को परिजनों को जरूर बताएं इस कोर्स के बारे में, ठीक है। चलो ग्रोथ, स्मूथ, टूथ, वर्थ, नॉर्थ, साउथ, ये सभी क्या आपके क्या है, ये नाउन है, हमने नाउन को पहचानना सिखाया, जब भी कोई वर्ड में टी एच दिख जाए वो नाउन होता है, ये समझ में आ गया है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर ले, जल्दी से नोट करो, कर लिए होगे, कर लिए ना। आ जाओ अब इसके बाद हमारा कोई भी वर्ड, इसके बाद
कोई भी वर्ड ई आर से समाप्ति होते हुए दिख जाए, जब भी कोई वर्ड ई आर से समाप्ति होते हुए दिख जाए तो वो भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। जैसे प्लेयर नाउन है, डांसर डांसर हो गया, टीचर, फादर, मदर, सिस्टर, कुछ भी, जब भी कोई वर्ड ई आर से समाप्ति हुए दिख जाए तो वो क्या होता है, नाउन कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और एग्जांपल आप लोग कमेंट करो। कमेंट करो भाई। भाई देखो ऐप पर जो देख रहे हो ना वो पता है कमेंट कर सकते हो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है ना? चलो ये नोट कर लिए ना, आ जाओ बुआ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझ समझ के आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी कोई वर्ड ओ आर से समाप्ति करते हुए दिख जाए उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, और बताओ वर्ड वाला और वर्ड बताओ ना भाई, ओ आर से जो समाप्ति करे, ओ आर से समाप्ति करने वाला नाउन और कौन कौन सा बताओ। जल्दी बता दो मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी बताओ कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूँ ओ आर से समाप्ति करने वाला, जल्दी बता दो। नहीं बता पाए, देखो भाई चलो मैं ही बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बाद ट्रैक्टर के बाद क्या होता है, क्या होता है, और भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर भी होता है। देखो डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, कॉम्पिटिटर, ये सभी क्या ओ आर से समाप्ति, ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर, ये सभी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। देखो साथियों आप लोग भी कमेंट करो, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलते रहते हैं तो इतने सारे तो याद रहते नहीं है, तो फिर भी जितना आया उतना बता दिया आपको, मैं तीन चार ही बताऊँगा उसके बाद आप लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है? क्या करोगे आप लोग भी दिमाग लगाओगे। हाँ चलो इसी में एक जगह और सीख लो, जिसके अंत में ए आर से समाप्ति करे, कोई भी वर्ड ए आर से समाप्ति करे, क्या चीज़ से, ए आर से, उसको भी क्या कह लेंगे, नाउन कहेंगे। ए आर वाला आप लोग कमेंट करो, ए आर वाला जल्दी से आप लोग कमेंट करो, ए आर वाला जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से ए आर वाला कमेंट करो आप लोग। चलो देखो मैं बताता हूँ, ए आर वाला मिटा दूँ पहले, चलो ऊपर से मिटा के करता हूँ तब मजा आ जाएगा। जब कोई वर्ड, मैंने ये बोला जब कोई वर्ड ए आर से समाप्ति करे तब उसको भी हम लोग नाउन ही बोलेंगे। जैसे जैसे साथियों अल्टर, ए एल टी ए आर, ठीक है? दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका, बताओ कमेंट करो, कैलेंडर, कैलेंडर, और बताओ हैंगर, हैंगर भी यूज करते हो आप लोग, हैंगर, जी ए आर होता है, ठीक है?
और बताओ और बताओ, ग्रामर 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 GRAMM, ग्रामर भी पढ़ रहा है ना जो हम लोग, सेक्शन ग्रामर भी होता है। और बताओ डॉलर, डॉलर जो पैसा यूज करते हो, डॉलर DOLLAR, डॉलर में भी ए आर ही होता है। और बता दो और बताओ क्या हो सकता है, कूलर में ईयर हो जाता है ना। और बताओ गिटार, चलो जिसके अंत में AR, जिसके अंत में AR देख लो वो नाउन। जब भी कभी आप किसी भी वर्ड में AR दिख जाए तो वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, नाउन होगा। समझ रहे हो ना, समझ में आए तो हाँ बताओ। जिसके अंत में भी कभी भी देख लेना AR, उससे मान के चलना वो नाउन है। समझ रहे हो ना, समझ समझ के काम करना, ठीक है। चलो मिटा दूँ से, मिटा दूँ, चलो बाबू बहुत अच्छी बात, बहुत खूब। आ जाओ नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वर्ड NESS, क्या हो NESS लेटर से समाप्ति करे कभी भी वर्ड, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन ही कहलाएगा। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस, शार्पनेस, शार्पनेस, ठीक है। और बताओ फुलनेस, फुलनेस छोड़ दो, आज और दूसरा लिख लेते हैं नेस वाला, क्या मैडनेस, और भी और होता है जैसे, देखो नेस में और कौन सा हो सकता है बताओ। हाँ नेस वाला वर्ड बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ साथियों, नेस वाला और कौन सा वर्ड हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। काइंडनेस हो गया, शार्पनेस हो गया, मैडनेस हो गया, और बताओ ब्राइटनेस भी होता है, ब्राइटनेस मतलब जिसके अंत में NESS लगा हो वो नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जिसके अंत में भी NESS लगा होना चाहिए वो आपका नाउन कहलाएगा। समझ में आ गया ना, नेस वाला वर्ड क्या कहलाता है साथी, वो नाउन कहलाता है। चलो बहुत खूब, इसे मिटा दो, इसे मिटा दो ना, हो गया ना, इसे लिख लीजिए ना, जल्दी से लिख लो। NES दिख जाए वो नाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चलो मिटा दो। अच्छा अब दो तीन और बच्चे हैं, इसे भी कर लेंगे, फिर आपके नाउन का जो कंफ्यूजिंग था, जो कंडीशन था, जो भी आपका डाउट था नाउन से रिलेटेड खत्म हो जाना चाहिए, आई थिंक डैट। जैसे देख लो कोई भी वर्ड जब भी आपको एबल वाला दिख जाए, क्या लगा होना चाहिए, एबल। जब भी कोई वर्ड में एबल दिख जाए वो भी आपका नाउन होता है। जैसे रिचेबल, रिचेबल एबल हो गया। जैसे देख लो कैपेबल, यहाँ भी एबल एबल है, यानी कि जिस वर्ड में ABLE लगा हुआ मिल जाए वो भी क्या होता है, नाउन ही होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसी के साथ देख लेते हैं, फटा लगे हाथ। जिसके अंत में IBELE दिख जाए, IBELE ये भी क्या होता है, नाउन होता है। जैसे परमिसिबल, पर मी परमिसी, ठीक तो था, परमिसिबल, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, नाउन होता है, जिसके अंत में IBELE दिख जाए, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ फंडामेंटल तरीका जिससे आप नाउन को 5 सेकंड में पहचान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलो इसी के साथ कुछ और रह जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं, कहते हैं होनेस्टी को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए भी रूल होता है, मिटा दो इसे, जल्दी से नोट करो, जल्दी से प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी नोट करो इसको, कर लिए। चलो बहुत खूब, आ जाओ लगे हाथ, दो तीन चार और, दो तीन चार इसके जो और भी बच जाते हैं कुछ कंडीशन,
जैसे बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है सर ऑनेस्टी को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ब्रेवरी को कैसे पहचानेंगे, और भी क्या रहता है एडवाइस को कैसे पहचानेंगे, एडवाइस कैसे नाउन होता है, फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर नॉलेज कैसे नाउन है, मन में डाउट्स होता है। देखो तो रूल समझो, जिसके जो भी कोई वर्ड टी वाई से समाप्ति करे, जब कोई वर्ड टी वाई से समाप्ति करे वो भी आपका नाउन होता है, जब भी कोई वर्ड आपका आर वाई से भी समाप्ति करता है 90% केस में, पूरा 100% नहीं क्योंकि 100% वाला चीज़ मैंने लिखवा दिया था, जब भी कोई वर्ड आर वाई से समाप्ति करे जैसे क्राई तो वर्ब होता है, जैसे क्राई जैसे होता है वर्ब होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस होता है जहाँ पे वो क्या होता है नाउन होता है, जैसे ब्रेवरी टेम्पररी, ठीक है जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्या होता है नाउन होते हैं, तो आर वाई भी दिख जाए तो वो 80 से 90% केस में वो नाउन ही होते हैं, जब कोई वर्ड सी से दिख जाए सी से समाप्ति होते हुए दिख जाए तो वो भी क्या होता है नाउन होते, जैसे एडवाइस, जैसे क्या है एडवाइस। अब जब कोई वर्ड जी ई से दिख जाए नॉलेज, क्या है नॉलेज, तो वो भी 80%। देखो ये जो रूल थे ना 80% तक ये रूल काम करते हैं, 20% ऐसे कुछ कंडीशन आ जाता है जहाँ पे रूल काम नहीं करते, लेकिन जो ऊपर में रूल था वो 100% एंड 95% बोल सकते हो उसे भी काम करता है। तो ये थे आपके कुछ टर्म्स जैसे नाउन को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया ना कैसे नाउन को फाइंड करना है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अभी भी नाउन को पहचानने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बता दो, बताओ मेरे साथियों, टी वाई वाला एग्जाम्पल दे दिया जाए, अरे भाई ले लो लो टी वाई का एग्जाम्पल ले लो, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आपका टी वाई है, ये भी आपका नाउन होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आपका नाउन टी वाई है, ये भी क्या होता है नाउन होता है, जैसे इम्यूनिटी लिखते हैं हम लोग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इसमें भी टी वाई है, ये क्या आपका नाउन है, इम्यूनिटी भी क्या है टी वाई है नाउन है, कम्युनिटी हम लोग क्या लिखते हैं कम्युनिटी सी ओ डबल एम यू एन आई टी वाई, यहाँ भी टी वाई है, ये भी क्या होता है नाउन होता है। बताओ और किसी को कहीं दिक्कत है, और किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताओ मेरे साथियों, और कहीं दिक्कत है तो बताओ, किसी को और कहीं दिक्कत है तो बताओ। आर वाई वाला क्या है भाई, कमेस्ट आर वाई वाला तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्रेवरी, चलो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया ना नाउन को कैसे पहचानेंगे। भाई देखो कहीं भी सेंटेंस में कुछ ऐसा, जैसे देखो यहाँ जैसे ब्रेवरी था, जैसे यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो बताओ क्या व्यक्ति के नाम है क्या स्थान का नाम है, तो कैसे पहचानते, क्योंकि हम लोग नाउन का डिफिनेशन यही रखते हैं ना भाई, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नामकरण है, तो फिर ये क्या चीज का नाम है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप नाउन को आसानी से सेंटेंस में पहचान सकते हैं, तो समझ में आया ना, बताओ यस या नो, समझ में आ गया तो बताओ यस या नो, देख समझ में आया तो क्या करो दोस्तों के साथ बताओ। और देखो चलो एक विशेष बात है समझो, जिनको भी मैथ नहीं आता है ना, शाम 9 बजे से बेसिक मैथ की क्लासेस चलती है, यानी कि इवनिंग में, उसे रात भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, रात भी बोल सकते हैं लेकिन रात नहीं बोल सकते ना, क्योंकि रात जब सोने जाते हैं तभी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उसे लोग रात ही बोलते हैं, बट आप प्रॉपर सिक्वेंस में जाएंगे तो उसे रात नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो रात मान लो या शाम मान लो, जो भी आपको मानना है, 9 बजे से क्लास चलती है, ठीक है, और इंग्लिश की क्लास शाम 5 बजे से, पता है जब अभी देख रहे हो आप, ठीक है। और जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है ना, वो सर की जीरो लेवल मैथ्स जो कोर्स है ना, एप्लीकेशन में मिलते हैं, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी अगर इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत हो, इंग्लिश नहीं आते, इंग्लिश समझ में नहीं आती हो, कुछ भी मतलब इंग्लिश से रिलेटेड दिक्कतें हो, वो भी क्या कर सकते हैं, जीरो लेवल इंग्लिश बैच है जो अभी इसकी कोर्स की क्लासेस चल रही है, वो बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इंग्लिश में कुछ अपने आप को कुछ हद तक, पूरा नहीं तो बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक अपने आप को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही,
पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।